तो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपको एक और कमाल की न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंस्टाग्राम यूजर नेम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को इंस्टाग्राम का यूजर नेम जो होता है वो एकदम सा यूनिक कैसे लिखे, मतलब कि कम्प्लीटली बताऊँगा कि यूनिक कैसे लिखे, जिससे कि कोई बंदा आपका प्रोफाइल में आता है या फिर आती है, ठीक है, तो आपको फॉलो जरूर करेंगे, ठीक है। एंड कोई भी बंदा आपका यूज़र नेम एक बार देखेगा तो हमेशा के लिए याद रह जाएगा उसको, क्योंकि कुछ अलग सा यूनिक होगा। देखो यार, आजकल अगर आप कुछ अलग नहीं करोगे तो कुछ अलग नहीं होगा, क्योंकि आजकल लोग सबको हर एक तरह के नहीं करना चाहते हैं। लोग क्या देखना पसंद करते, कुछ अलग हो, बंदे में कुछ टैलेंट हो, कुछ अलग ही यूनिक सा हो। तो मैं आपको लोगों को बताऊंगा कि यूज़र नेम कुछ अलग ही लिखना कैसे है, और मतलब कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में भी, ठीक है। तो कैसे लिखना है मैं आगे चलकर आपको प्रोसेस बताऊंगा, तो फिर वीडियो को कंप्लीट देख लेना। कंप्लीट तो देखते नहीं हो, ठीक है, तो कंप्लीट देख लेना आप लोग, आगे प्रोसेस बताऊंगा, एक एक चीज़ में आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। तो फिर चलिए बिना टाइम वेस्ट करते वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों देखो, आप लोगों को इंस्टाग्राम यूज़र नेम लिखने के लिए थोड़ा सा इंटरनेट खर्च करना होगा। यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग चलेगी, आप लोग यहाँ पर देख लेना, क्योंकि फ्री में इंटरनेट यूज़ करते हो, सॉरी फ्री में तो नहीं मिलता लेकिन महंगा है इतना है, तो उसका फ़ायदा भी उठाना चाहिए ना, तो उसका फ़ायदा भी उठाओ, थोड़ा सा इंटरनेट भी खर्च करो यार मेरा भाई, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग चलेगी, आप लोगों को मैं स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ कैसे क्या करना है। तो सब सिंपली मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग को यहाँ पर ऑन कर देता एक बार, ठीक है, स्टार्ट नाउ। तो यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग को मेरा ऑन हो रहा है एंड हो चुका है, ठीक है। तो सिंपल से आप लोग करना क्या है कि सिंपल से क्रोम पे जाना है, ठीक है। सबसे पहले मैं क्रोम पे जाता हूँ, क्रोम ब्राउज़र पे जाना है, काफ़ी बेटर रहता है। तो क्रोम ब्राउज़र पे जाने के बाद आप लोग यहाँ पे सर्च कर लेना है इंस्टाग्राम यूज़र नेम आइडियाज़, मतलब कि अभी जो ट्रेंड में चल रहा है, मतलब मैं अभी मई मंथ चल रहा है तो मैं 2021, ठीक है, यहाँ पर क्लिक कर लेना, मैंने पहले सर्च किया था, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे आना है एंड बहुत सारे वेबसाइट मिल जाएगा, तो टॉप में जो वेबसाइट मिलता है उसी को देख लेना, काफ़ी अच्छा रहता है। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर 800 प्लस बेस्ट इसका नाम म्यूज़िक आइडिया नंबर ये लिखा है, गर्ल्स एंड बॉयज़, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हो, मतलब थोड़ा सा नीचे आना है एंड यहाँ पर नीचे आने के बाद, सॉरी यार मेरा इंग्लिश क्यों नहीं होता यार, हिंदी का ही हो जाता है बार बार। तो यहाँ पर देख सकते हो, नीचे आना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाना है एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मतलब कि यहाँ पर देख सकते हो इंस्टाग्राम यूजर आइडियाज़ फॉर गर्ल्स। आप लोग अगर गर्ल्स हो, मेरा वीडियो देखता नहीं इतना ज़्यादा, तो गर्ल्स हो फिर भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो इंस्टाग्राम यूज़र नेम कुछ इस टाइप का दे सकते हो, मतलब कि ये जो नेम वगैरह है ये कोई भी आदमी, अगर कोई भी बंदा आपका मतलब कि प्रोफाइल में आता है देख लेता है तो हमेशा के लिए याद रह जाएगा मेरा भाई, क्योंकि कुछ अलग सा ही है। तो आप लोगों को जिस टाइप का चाहिए, मान लीजिए आप लोगों को एटीट्यूड वाला चाहिए, स्टाइलिश वाला चाहिए, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, मतलब कि ये तो गर्ल्स के लिए हो गया, बॉयज़ के लिए है इंस्टाग्राम यूज़र नेम फॉर बॉयज़, ठीक है। ये सिंपल से है, जो सिंपल लोग यूज़ करते हैं ये ले है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मतलब नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाना एटीट्यूड, आप लोग एटीट्यूड चाहे तो मेरा भी यूज़र नेम देख लेना, मेरा यूज़र नेम कुछ अलग ही है, मैंने बहुत बार चेंज किया था, तो मेरा इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना, रील्स देखना काफ़ी अच्छा होता है। तो एटीट्यूड वाला तो देख सकते हो @ForBioShare, मतलब कि इस तरह का देख सकते हो, मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा अच्छा इंस्टाग्राम यूज़र नेम है, ठीक है। एंड यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पर देख रहे हो ना, एंड यहाँ पे क्यूट इंस्टाग्राम नेम, मतलब क्यूट से, मतलब आप लोग अगर क्यूट हो देखने में, मैं तो नहीं हूँ, कोई कोई होता है ना, तो आप लोग उस टाइप का अपना यूज़र नेम रख सकते हो, जिससे कि कोई बंदे आप लोग इंप्रेस हो सकती है। एंड नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाता हूँ एंड आप लोग देख सकते हो क्लासली इंस्टाग्राम नेम आइडियाज़, यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा बेटर है, मतलब कि नीचे स्क्रॉल डाउन जैसे जैसे मैं करते जा रहा हूँ आप लोग देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है स्टाइलिश एटीट्यूड नेम फॉर इंस्टाग्राम फॉर गर्ल्स, ठीक है, गर्ल्स के लिए भी है, ठीक है। देख सकते हो रेनबो डॉल, डायमंड गर्ल होता है ना, तो देख सकते हो एटीट्यूड इंस्टाग्राम नेम फॉर बॉयज़, मतलब काफ़ी ज़्यादा देखो कितना अच्छा अच्छा दिया गया है, ठीक है। और मेरा तो मतलब मुझे ज़्यादातर यही सब पसंद आता है, बट मैंने चेंज नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा चेंज करूँगा तो लोग भी इरिटेट हो जाएंगे, तो मेरा जो है वही है, आप लोग चेंज कर सकते हो, आप लोग शुरुआत में है तो। तो यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा दिया गया है, सिंपल से आप लोग मान लीजिए कोई भी पसंद आया गया होगा, ठीक है, मतलब कोई भी पसंद आया है, ठीक है, मतलब फेमस गाय यहाँ पर जो लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ, इसको क्लिक कर लेना है एंड यहाँ पर क्लिक करना है फेमस गाय एंड यहाँ पर इसको कॉपी कर लेना, कॉपी करने के बाद आपके जो यूज़र नेम है वहाँ पर पेस्ट कर देना। और मान लीजिए अगर वहाँ दिखा रहा है नॉट अवेलेबल, तो आप लोग करना क्या है कि वहाँ पर कुछ अंडर इसको थोड़ा दे देना, ठीक है, जिसकी आप लोगों का अवेलेबल हो जाएगा। तो ये था आप लोगों का आज का ये वीडियो, तो ये टॉपिक, तो स्क्रीन रिकॉर्ड को ऑफ कर रहा हूँ मेरा भाई, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे यूज़र नेम कैसे लिखे एंड आप लोगों को काफ़ी आसानी होगा इससे, ठीक है। और नहीं मिलता तो थोड़ा सा अंडर स्कोर देना है, कुछ अलग वर्ड यूज़ कर देना, ठीक है, अपना नाम का जो पहला अक्षर होता है वो भी यूज़ कर देना, तो अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, ठीक है।
आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। एंड 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 इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना, मेरा भाई इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना, ठीक है? तो जय हिंद।